देखो बच्चों, कुछ प्रमुख परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर बताने जा रहा हूँ आपको। परीक्षा में किस तरह से टैली करेगा, आपको कैसे लिखना है, ये 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होंगे या 5 अंक के सब्जेक्टिव होंगे। पाठ के लेखक हैं अब सवाल है कि दुख का अधिकार पाठ के लेखक हैं, इसका राइट आंसर क ख ग घ तक दिया हुआ है, इसमें से सही चुनना है हमको। यशपाल, प्रेमचंद, दिनकर जी, शरद जोशी, रियल इसमें से कौन होगा वो, इसमें रियल आंसर यशपाल है, इसलिए एक आंसर एक नंबर इस पर मिलेगा। दूसरा है मेरी शिखर यात्रा, मेरी शिखर यात्रा देखिए, लक्ष्मी बाई, मीरा बाई, मेरी शिखर यात्रा कथा में किसकी कहानी है, तो है लक्ष्मी बाई, मीरा बाई, बजेंद्री पाल, सत्यपाल, रियल में बजेंद्री पाल का कहानी है छुपा हुआ। अब है तीसरा, तुम कब जाओगे, अतिथि तुम कब जाओगे, अतिथि जाओगे, अतिथि पार में इसे
जाने की बात कर सकते हैं। लेखक ने किसके जाने की बात लेखक ने किसको जाने की बात कर रहे हैं तुम कब जाओगे अतिथि पाठ में। लेखक ने किसको जाने की बात करते हैं तो लेखक को ऐसी होगा ही नहीं कि है ही नहीं अतिथि होगा। ये राइट आंसर। बस अर्थात रैदास किस देव के उपासक थे, रैदास किस भगवान का भक्त थे, इसके बारे में रैदास अपना आराध्य देव किसे मानते थे। तो पहला है, देख लीजिए, रैदास के बारे में है कि गरीब निवाजो गुसैया, कहने का अर्थ है कृष्ण भगवान का है बारे में है, और श्री राम प्रभु के बारे में इन्होंने वर्णन किया है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। कहने का अर्थ है कि वो किसे मानते थे। तो पहला राम को, दूसरा हनुमान को, तीसरा कृष्ण को, चौथा
गणेश को। इसमें रियल आंसर है कि कृष्ण भगवान को वो रैदास जी अनन्य भक्त थे। चलिए इसी तरह से आपको 15 मार्च का 15 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसका आंसर शीट आपको लिखना होगा, और 15 अगर सही निकला तो 15 में 15 जो है सो मिल जाएगा आपको। अब ये 4 के बाद है आपका कबीर, कबीर के बाद है मीरा। देखिए ये सबसे ही क्वेश्चन है आपका कि रहीम किस देवता को अपना आराध्य देव मानते थे। देखो क्वेश्चन का ऑप्शन है अल्लाह को, मौला को, मोहम्मद को, कृष्ण को, किसको मानता था। तो क्लियर है रहीम के बारे में कि रहीम का पूरा नाम है रहीम अब्दुल खान खाना। अब तुम बताओ ये मुसलमान थे तो स्वाभाविक है अल्लाह को मानेंगे, मौला को मानेंगे। नहीं मौला को अगर मानेगा नहीं अल्लाह को मानेगा तो ऐसा सुजात ये संभव ही नहीं है। मोहम्मद है इन्हीं का प्रॉफिट थे कृष्ण, और कृष्ण भी है। इस बात को समझने के ऑप्शन के रियल आंसर क्या होगा, इसमें रियल आंसर कृष्ण होगा, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़िए आराध्य देव, आराधना करने वाले देवता। देवता हिंदू में होता है मुसलमान में नहीं। तो कृष्ण को क्योंकि समझिए रहीम पांचों वक्त नमाज अदा करता था अल्लाह का, इसमें कहीं कोई कटौती नहीं है। वह अल्लाह खुदा को पांचों वक्त नमाज अदा करता था, और यह भी समझिए कि सुबह शाम बचे हुए समय में भगवान कृष्ण को भी आराधना करता था, कृष्ण को भी याद करता था, कृष्ण को भी नमन करता था, कृष्ण को भी पूजता था, उसको भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता था। तो फायदा ये हो गया कि रहीम को कृष्ण भगवान का सहयोग मिल गया। हाँ कि
रहीम कभी क्या कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। देखिए रहीम कभी कह रहा है बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, बड़ा काम करने से होता है। रहीम कभी क्या कह रहे हैं इसके बारे में, देवता को कौन, कृष्ण भगवान को वो आराध्य देव अपना मानते थे, ये बिल्कुल सही बात है। पांचों वक्त अल्लाह का अजहान भी देते थे, नमाज भी अदा करते थे, ये भी सही बात है। इसीलिए रहीम पर कृष्ण भगवान का भी आशीर्वाद रहता था, सहयोग रहता था। कहा सुदामा बाप रो कृष्ण बिताई जो, रहीम कवि कहते हैं कि कृष्ण भगवान सुदामा पर ताक दिए तो सुदामा के खड़गपति बना दिए, जो है सो मिनटों में जो है सो बना दिए। खड़गपति भी उसके सामने में भीख मंगा था, इतना धन दे दिए देने के लिए, नहीं था तो पांचों वक्त उसको जो है सो सही से भोजन नहीं मिल जुटता था, न कपड़ा पहनने के लिए जुटता था, ऐसा दिनहीन समय अपना व्यतीत करता रहता था। बताओ तो इस तरह से ये आपका सवाल रिलेट होता है, इसी तरह से आप ऑब्जेक्टिव सवाल में देंगे। और आगे अब आपका ये स्पर्श हिंदी से इतना ही रहेगा, चार पाठ कौन कौन, दुख का अधिकार, बक्षेन्द्री पाल, शिखर यात्रा और तुम कब जाओगे अतिथि, तीन पाठ। इधर में रहेगा रैदास और रहीम से बस, नहीं क्लास। अब संचयन में आपको रहेगा गिल्लू से, ये जो सवाल है महादेवी वर्मा का लिखा हुआ है गिल्लू, गिल्लू का इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है, तुम जो है सो यूपीएससी में बीपीएससी में जब बैठोगे तो जीवन परिचय में तुमको आ जाएगा कि गिल्लू पाठ की, गिल्लू किसकी रचना है। तो गिल्लू को महादेवी वर्मा लिखी है, यह पर बहुत ही प्रचलित बात है। करीब करीब जो तनको जानदार स्टूडेंट है ना, जिसमें तन को जान है, जिसमें तन को स्वाभिमान है, जिसमें तन को आन है, जिसमें तन को देश के प्रति शान है, वो जरूर बता देगा। लेकिन जो सब बगल से सूत गया हुआ है, सुतनवा है, उसको जो है सो छूट जाएगा क्वेश्चन आंसर। चलिए अब ये है कौन है, तो पहला अभ्यक्ति में है दिनकर जी, दूसरा में है प्रेमचंद,
दूसरा में है महादेवी वर्मा और घ में है प्रेमलता वर्मा। देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि गिल्लू पाठ को कौन लिखी है यह सर्वविदित है, जिसमें गिल्लू में किसका वर्णन है, किसका नाम है, तो एक छोटी सी गिलहरी के शावक का नाम है जो नन्हेसा था, तो एक बार कौवा उसको अपना आहार बनाना चाहता था, कौवा के चोंच से जो छूट कर नीचे गिरी है, वह ईश्वर का वरदान था, बचना था, इसलिए कौवा के काक के चोंच से गिर गया ये नीचे, तो इसको जीवन दान ईश्वर का था इसलिए बच गया। और वो ओट में छिप, गमला के ओट में अंदर ही अंदर छिप गया, ओट के भीतर, जिसके अंदर कौवा का काक का लोल ही चोंच ही नहीं पहुंच सकता था, इसलिए वह बच गया। जब ईश्वर की अनुकंपा होती है ना, इसी तरह से इंसान को अपॉर्चुनिटी मिल जाता है और वह बच जाता है। तो यह जो है महादेवी वर्मा चर्चित है, यही राइटर सही है। अब सातवां नंबर में देख लीजिए, गिल्लू पाठ में किस स्थान का वर्णन है। अब गिल्लू कहाँ रहती थी, महादेवी वर्मा का घर कहाँ था, कहाँ रह रही थी और गिल्लू कहाँ मरा और वह उसको कहाँ दफनाया गया, वो तो कोई ना कोई जगह जरूर होगा ना, जहाँ उसको दफनाया गया तो आसमान में नहीं दफनाया गया होगा, उसको तो धरती पर दफनाया गया होगा, उस जगह का नाम लिखना है, उसका परिचय देना है। तो गिल्लू पाठ में किस स्थान का वर्णन है, ऑब्जेक्टिव ये है, अगर आप लोग पढ़ी होंगी तो समझ गई होंगी, नहीं पढ़ी होंगी तो देख लीजिए। ये सोन जूही पहले ही नाम है, कहानी के प्लॉट के आरंभ में ही है सोन जूही, माने जूही पुष्प का एक प्रकार का पीला होता है, सोन जूही माने सोन मतलब होता है पीला कलर, सोना सुनहरा कलर, सोना के कलर की तरह, और जूही एक प्रकार का खुशबूदार फूल, सोन जूही जगह का नाम है आपका। तो इसमें वर्णन है सोन, पहला क में है, मान लीजिए हम इसको क्वेश्चन में बदल दे देते हैं, कहाँ का सोन जूही पे वर्णन है तो क में दे देते हैं अयोध्या का, अयोध्या में हाँ। शिरडी में पकड़ लेगा सोन जूही और वो मार देगा सही आंसर।
आ जो तेज बेसी होशियार है वो कोनो अंदाजे लगाएगा तो कोनो लग सकता है। चलिए सात नंबर तक मैंने बता दिया, अब आपका सात मार आठ मार इनमें से कौन शुद्ध है? अब गौर से समझिए कि शुद्ध कौन है। आपको शुद्धता आएगा तब ना आप परखिएगा कि अगला को शुद्ध है, परखने आएगा तब ना इनमें से कौन शुद्ध है। पहला देख लीजिए तो में है लिफाफा, लिफाफा लिफाफे में देखते हैं कि कौन तेज स्टूडेंट है। ये खाप है लिफाफे सही वो बर्तनी इनमें से कौन है, वो भी अचंभत में पड़ जाएगा कि इनमें से हम कौन सेलेक्ट करें, वह भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। देख लीजिए कौन रियल आंसर है, आप पहले चुनिए हकीकत रूप में। इसका ये पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। पहला में एको नुक्ता नहीं दिए हैं, देख लीजिए गलत है ये। दूसरा में एको नुक्ता दिए हैं वो गलत है। दूसरा में एगो नुक्ता दिए हैं मगर अंतिम ख में दिए हैं, घ में दोनों में नुक्ता दिए हैं, तो जो दोनों में नुक्ता दिए हैं वो सही आंसर है, ये राइट आंसर आपका हो गया। नौ नंबर में सवाल है किन कर्तव्य विमूढ़ कर्तव्य विमूढ़ होना मुहावरे का अर्थ है। देखिए किन कर्तव्य विमूढ़ होना मुहावरे का क्या अर्थ है। पहला क्या न करे, देखिए किन कर्तव्य विमूढ़ होना मुहावरे का अर्थ है। क्या करे यह सोचना, क्या न करे यह सोचना। अब ग नंबर में है
क्या सब पूरा करें यह सोचना। देख लीजिए बड़ा माइनूटली अर्थ है जैसे लिफाफा है वो, अक्सर स्टूडेंट गड़बड़ा जाता है, हमारे क्वेश्चन सेट करते हैं मुहावरा रहता है लेकिन ऐसा सेट करते हैं कि वो अचंभा में पड़ जाता है। तो यह सोचना भ क्या करे न करे की स्थिति होना। देखिए किन कर्तव्य विमूढ़ होना का मतलब अनायास आदमी जा रहा हो, मोटरसाइकिल से आप जा रहे हो या साइकिले से, और कोई एक रोड पर बच्चा दौड़ते हुए आ जाता है, घर से निकलते होता है एकदम पूरा स्पीड में, वो भी एक मोटरसाइकिले बनकर निकलता है और देखता नहीं है कि आगे मोटरसाइकिल आ रहा है, मोटरसाइकिल वाला ये समझता है कि रास्ता साफ है, एक बेर हराक से निकलता है और वो एक बेर सराक से आ जाता है कि दोनों जो है सो टकरा जाता है, वही हो जाता है दोनों ओर। लड़का भी देखता है मोटरसाइकिल की क्या करे न करे स्थिति में होना, मोटरसाइकिल पर सवार जो व्यक्ति है उसके भी अचानक में सामने आता है, अब वो भी समझता है कि हम ब्रेक मारे कि गियर बदले कि हंडल मोड़े कि अपने आप को मोड़े, गड़बड़ा जाता है। इसी को कहते हैं कि किन कर्तव्य विमूढ़ होना, जो क्या करे न करे, राइट आंसर आपका ये होगा, क्या करे न करे की स्थिति होना। इतने में जो है सो धक्का लग जाता है। धन्यवाद बच्चों, आप तैयारी करोगे आपका काम है और फिर मिलेंगे। ये आपको 7-8 तक, आधा 9 तक बता दिए, 15 में 9 तक बता दिए, अब 6 को करना है तुमको। धन्यवाद।